नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास एक 40 इंच का सीआरटी टीवी आया है और इस टीवी देख सकते हैं दोस्तों, ये सैमसंग कंपनी की सीआरटी टीवी है। और इसमें क्या फॉल्ट है दोस्तों, चलिए हम चालू करके इस टीवी को देखते हैं। तो दोस्तों प्लग को हम सेट करके रखे हैं और टीवी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इस टीवी पर जो है लाइन भी आ चुकी है। चलिए हम इसे स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। तो दोस्तों टीवी हमारी स्टैंड बाय से रिलीज हो चुकी है। अब चलिए इसमें हम देखते हैं क्या फॉल्ट है दोस्तों। तो दोस्तों इस सीआरटी टीवी पर हमें रिटेस्ट लाइन की प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोस्तों, और ये पिक्चर जो है दोस्तों येलो कलर का दिखता है। तो चलिए इस सीआरटी टीवी को हम खोलेंगे और खोलने के बाद हम इस सीआरटी टीवी को देखेंगे इसमें कहाँ से दिक्कत आई है जिसकी वजह से हमारी टीवी जो है दोस्तों येलो कलर की दिख रहा है और रिटेस्ट लाइन भी आ रही है। तो दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी बनाई हुई हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम सबसे पहले सीआरटी टीवी को खोलेंगे और खोलने के बाद हम देखेंगे इसमें कहाँ से फॉल्ट आई है जिसकी वजह से हमारी टीवी जो है दोस्तों येलो कलर की दिख रही है। तो दोस्तों सीआरटी टीवी को हम खोल के रेडी कर चुके हैं और इसमें देख सकते हैं कितना कचरा और डस्ट जमी हुई है। सभी को हम ब्रश की सहायता से साफ़ सुथरा कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ बेसबोर्ड पर हम तीनों कैथोड की वोल्टेज को मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करके देखेंगे। यहाँ जो तीनों सप्लाई की जो वोल्टेज है दोस्तों, रेड, ग्रीन और ब्लू, तीन कैथोड की वोल्टेज सप्लाई को हमें चेक करके देखना है। वीडियो लंबी नहीं करने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को जितना शॉर्ट में हो सके आप सभी को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले साफ़ सुथरा करते हैं और सर्किट बोर्ड को हम बाहर निकालेंगे और यह कैथोड की तीनों सप्लाई की वोल्टेज को हम मल्टीमीटर द्वारा चेक करके देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को अस्थिर से देखिए और अच्छी से देखिए दोस्तों, ताकि आपके पास भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो आप चुटकियों में रिपेयरिंग कर सकेंगे। तो चलिए हम बेस बोर्ड की सारी सप्लाई को हम चेक करके देखते हैं सबसे पहले। तो सर्किट बोर्ड को हम साफ़ सुथरा करके रेडी कर चुके हैं। अब चलिए सीआरटी टीवी पर हम दोबारा फिर से हम लाइन को कनेक्ट करेंगे और टीवी को हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब चलिए मल्टीमीटर से हम इसकी सप्लाई को हम सबसे पहले चेक करके देखेंगे, बाकी जो भी रीजन होगा दोस्तों हम उसके बाद दिखाएंगे आप सभी को। तो मल्टीमीटर को हम 200 की रेंज पर हम सेट करके रखे हैं और एक प्रॉप कहीं भी हम ग्राउंड कर देंगे। तो दोस्तों हम यहीं पर ग्राउंड कर देते हैं और इसका येलो, ग्रीन और ब्लू तीनों कैथोड की सप्लाई को हमें चेक करके देखना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक कैथोड है जो कि बी लिखा हुआ है, यानी कि ब्लू कैथोड है। इसमें सप्लाई जो है दोस्तों यहाँ 3.5 वोल्ट की सप्लाई हमें देखने को मिलता है। अब जो है दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ग्रीन जो जी लिखा हुआ है, यहाँ भी हमारी सप्लाई जो है ड्रॉप दिखाई देता है। और रेड कलर का जो है दोस्तों, रेड कलर में भी हम देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रेड कलर में हमें 115 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलता है। तो दोस्तों फिर से हम दोबारा चेक करके देखते हैं, यहाँ जो है एक सप्लाई आई है जो कि ब्लू लिखा हुआ है, इसमें भी 115 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलता है। और यहाँ एक सप्लाई जो है दोस्तों इस जगह यहाँ जो सप्लाई है हमें 1.5 वोल्ट की सप्लाई यही ड्रॉप है जिसकी वजह से हमारे सीआरटी टीवी पर येलो कलर की लाइट दिखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो सप्लाई है इसे सीधा हम सर्किट से मिलाते हुए ले जाएंगे और यहाँ से एक रेजिस्टर लगी हुई है, रेजिस्टर पर भी हम कनेक्ट करके देखते हैं तो 1.5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ से सीधे हम जाके जो है दोस्तों सर्किट को हम मिलाते हुए यहाँ से ले जाएंगे। दोस्तों यहाँ से सर्किट हमारी, यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगी हुई है। तो दोस्तों एक ट्रांजिस्टर से जो है सप्लाई यहाँ को, यहाँ से हम कनेक्ट करके देखते हैं, यहाँ जो सप्लाई है हमारी यहाँ से 115 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से एक रेजिस्टर लगी हुई है, यहाँ रेजिस्टर एक लगी हुई है, उसको चेक करके हमें देखना है खोल के। चलिए हम खोल के देखते हैं दोस्तों। तो सर्किट बोर्ड को हम खोल के रख चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों
सोल्डरिंग जो है दोस्तों, सोल्डरिंग ड्राई हो चुका है इस जगह। इस जगह एक ड्राई है और यहाँ ड्राई सोल्डर दिख रहा है दोस्तों, कलेक्टर के ट्रांजिस्टर के बीचों बीच, और यहाँ भी एक ड्राई दिख रहा है। तो चलिए ये सब की हम सोल्डरिंग अच्छी तरह से करके हम फिर से हम दोबारा मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करके आप सभी को हम दिखाएंगे। तो दोस्तों ड्राई सोल्डर जहाँ दिख रहा है वहाँ हमें अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है, उसके बाद हम फिर से दोबारा चेक करके देखेंगे। तो एक कंडेस्टर जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, छोटा सा ट्रांजिस्टर 2482, ये ट्रांजिस्टर पर हमें एक पिन पर ड्राई सोल्डर दिख रहा था और यहाँ भी एक ड्राई सोल्डर दिख रहा है। तो ये ड्राई सोल्डर दिख रहा है, सभी स्थान पर हम जो है दोस्तों सोल्ड कर देंगे अच्छी तरह से। और फिर से हम टीवी को स्टार्ट करके सारी सप्लाई को हम चेक करके आप सभी को हम दिखाएंगे। तीनों कैथोड पर वोल्टेज अगर हमारी बराबर आ जाएगी दोस्तों, तो उस रीजन में हमारी जो टीवी है दोस्तों, टीवी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तीनों ट्रांजिस्टर की पर ड्राई सोल्डर अगर दिखता होगा तो सोल्ड सबसे पहले कर लेना है। तो इस तरह से हम सोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से, और अगर सोल्ड करने से भी टीवी जो है दोस्तों अच्छी नहीं होती है तो उस रीजन में हमें जो है ट्रांजिस्टर तीनों को चेक करके देखना पड़ता है। तो दोस्तों सोल्डिंग हमारी इस पर हो चुकी है। दोस्तों बारीकी से अच्छी तरह से हम साफ़ सुथरा करने के बाद सभी जितने जगह हमारे ड्राई सोल्डर दिख रहा था सभी को हम सोल्ड कर चुके हैं। अब चलिए हम फिर से जो है दोस्तों टीवी को स्टार्ट करेंगे और एक बार हम चेक करके देखेंगे जो प्रॉब्लम हमारी टीवी पर आ रही थी, क्या वाकई वो टीवी पर हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों टीवी को हम स्टार्ट कर चुके हैं, अब चलिए स्टैंड बाय रिलीज कर लेते हैं। तो दोस्तों टीवी को हम स्टार्ट कर चुके हैं, अब फिर से हम दोबारा मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके देखेंगे। यहाँ जो ब्लू कलर का कैथोड दिख रहा था, यहाँ हमारी सप्लाई जो है दोस्तों देख सकते हैं अब बढ़ चुका है दोस्तों, यहाँ 47 वोल्ट के करीब हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये ब्लू कैथोड हो गया, और यहाँ जो है दोस्तों रेड कलर का, इसमें रेड कलर का यहाँ 143 वोल्ट देखने को मिलता है, और जो है दोस्तों ग्रीन कलर का यहाँ देख सकते हैं, ग्रीन कलर में हमारी यहाँ इस जगह 74 वोल्ट के करीब हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों तीनों कैथोड में तीन तरह की वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो टीवी हमारी प्रॉब्लम कर रही थी ये प्रॉब्लम, चलिए हम देखते हैं आगे फेस पर जाके दोस्तों ये सॉल्व हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर जाके। तो दोस्तों टीवी में जो भी प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सही हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों आप सबके बीच। तो दोस्तों छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही नए नए रोज वीडियो देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन घंटी को जो है ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।